हेलो दोस्तों, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुलाब जामुन तो आप सभी ने खाए ही होंगे, तो आज हम वही गुलाब जामुन बनाएंगे पर एक ट्विस्ट के साथ। आज हम बनाएंगे रवा यानी कि सूजी के गुलाब जामुन। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, ये देखने में या टेस्ट में बिल्कुल हमारे मैदे के गुलाब जामुन के जैसे ही लगते हैं। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप बारीक सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे मिक्सर में से पहले निकाल लें और उसके बाद इस्तेमाल करें। 2 कप लिया है दूध, यानी कि जितनी सूजी उससे डबल हमने दूध लिया है। इसके बाद चीनी ली है 1 कप, थोड़े से क्रश किए हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। इसके बाद 4 बड़े चम्मच घी, 2 छोटे चम्मच इलायची का पाउडर और 1 ग्लास पानी। अब सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे, जिसके लिए हमने ये पतीला गरम करने रख दिया था। पतीले में हम सबसे पहले लेंगे चीनी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जितने में हमारी चीनी भीग जाए। अब गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखकर हम इसमें उबाल आने देंगे। हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, इसलिए हम इसमें तार नहीं आने देंगे। बस चाशनी में अच्छा उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो चाशनी में अच्छा उबाल आ गया है और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब चाशनी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और हम बढ़ते हैं गुलाब जामुन बनाने की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसमें डालेंगे घी। इसके बाद इसमें डालेंगे हम दूध। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब दूध में हम एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे रवा यानी कि सूजी। रवा भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि उसमें लम्स ना पड़े। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ये मिश्रण सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर ले। तो अब आप देख सकते हैं कि मिश्रण हमारा एकदम ड्राई हो चुका है। तो गैस अब हम बंद कर देंगे और इसके थोड़ा ठंडा होने पर मिश्रण को प्लेट में निकाल लेंगे। मिश्रण पूरा ठंडा हो चुका है और अब हाथ में हम थोड़ा सा घी लेकर इस मिश्रण को अच्छे से गूंद कर इसका एक चिकना डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये डो हमारा बनकर एकदम तैयार है और अब हम फिलिंग बना लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा नारियल का भूरा, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिलिंग हमारी बनके तैयार है। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। आपको बड़े या छोटे जिस भी साइज़ के गुलाब जामुन पसंद है आप उसके हिसाब से ये मिश्रण ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक छोटे नींबू के साइज़ का बॉल बनाया है और इसे हम इस तरीके से फ्लैटन कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे और बड़ी ही सावधानी से इसके सभी साइड्स को लेकर हम इसे बंद कर लेंगे। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि बॉल में बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। तो ये हमारा गुलाब जामुन का बॉल बनकर तैयार है और इसी तरीके से हम सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बॉल्स हमारे बनकर तैयार है और इधर हमने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। गैस की फ्लेम हाई पे रखकर हम सबसे पहले तेल अच्छा गरम कर लेंगे और फिर लो फ्लेम करके सभी बॉल्स इसमें धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो गुलाब जामुन और चाशनी दोनों ही हमारी बनकर तैयार है।
यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम गुलाब जामुन के बॉल्स चाशनी में डालेंगे तब दोनों में से एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी गर्म होनी चाहिए, तभी गुलाब जामुन के बॉल्स के अंदर चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो यहाँ हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स एकदम गर्म हैं और चाशनी ठंडी है, तो अब हम ये बॉल्स चाशनी में डाल देते हैं और 2 से 3 घंटे इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चाशनी अच्छे से गुलाब जामुन के बॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये इंस्टेंट रवा गुलाब जामुन रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही में मेरे साथ शेयर कीजिए आपकी कोई भी ऐसी फेवरेट डिश जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। तो फटाफट मुझे कमेंट करें और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।